सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है और इस वीडियो में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम समझने वाले हैं। सेट बी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्प्रेशन। एक से दस तक के क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, 11 से आगे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। और ये दो वीडियो जिस स्टूडेंट्स ने देख लिया उसके जो है स्टैटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे। आओ सीखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। द एवरेज सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज 10,000 एंड दैट ऑफ ए ग्रुप्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज 15,000। इफ द कम्बाइंड सैलरी इज 12,000 देन द परसेंट ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स। देखो यहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक तो है अनस्किल्ड वर्कर और एक है स्किल्ड वर्कर। हम ये मान लेते हैं कि अनस्किल्ड टोटल वर्कर हैं एक्स और स्किल्ड टोटल वर्कर हैं वाई, ठीक है ना। इनकी एवरेज सैलरी, अनस्किल्ड की एवरेज सैलरी है 10,000 और स्किल्ड वर्कर की टोटल सैलरी है 15,000, ठीक है। एक तरफ हम दोनों को जोड़ देते हैं, एक तरफ हम दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे एक्स प्लस वाई और कंबाइंड सैलरी इनकी एवरेज सैलरी है 12,000। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे सामने एक ही क्वेश्चन बनती है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी 10,000 एक्स और ये आ जाएगा 15,000 वाई। अब देखो ये अलग अलग सैलरी है, यदि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये अलग अलग दोनों को मैंने जोड़ दिया, इसको एक साथ जोड़ दिया तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इंटू 12,000। ये इक्वेशन मेरे सामने आ गई और मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखो आप, ये तो है 10,000 x प्लस 15,000 वाई बराबर 12,000 x प्लस 12,000 वाई। अब क्या करते हैं, x और x को एक साइड में ले लेते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ x प्लस वाई टोटल कम्बाइंड वर्कर हो गए, x प्लस वाई टोटल वर्कर हो गए और इसको हमने 12,000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 15,000 y है, ये माइनस का 12,000 y इधर आ जाएगा, ये 12,000 x है माइनस का 10,000 x इधर आ जाएगा, तो ये तो बचेगा 3,000 y और ये बचेगा 2,000 x। 3 0 से 3 0 कैंसिल, देन 3 y बराबर 2 x आ जाएगा, देन x अपॉन y 3/2 x अपॉन y, x अपॉन y की वैल्यू, x अपॉन y की वैल्यू, x अपॉन y की वैल्यू 3/2 आपके सामने है। x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज। अब देखो आप बहुत इजी है, x और y इसका रेशो आपके पास आया 3/2, तो हम समझ सकते हैं टोटल वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये तो हो जाएगा 60% और ये हो जाएगा 40%। तो देखिए 60% और 40% आपके सामने आ गया है और आपको ये समझ में आ जाएगा। और देखो मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा डिटेल में इसको समझा देता हूँ यदि आपको इसमें कन्फ्यूजन है। x और y की वैल्यू आपको देखिए 3/2, देन दोनों का जो सम आ जाएगा वो 3+2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मुझे x का परसेंटेज निकालना है तो 3/5 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और y का जब मुझे परसेंटेज निकालना है तो 2/5 × 100। अब 5 से ये 20, 5 से 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ये तो आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 40, तो इसका 60% और 40%। और आप यदि इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो तो डायरेक्ट निकाल लो। तो इस तरह से आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। तो स्किल्ड वर्कर हमने क्या माने थे, स्किल्ड वर्कर हमने माने थे वाई, तो 40% हमारा स्किल्ड वर्कर का आंसर आ जाएगा और अनस्किल्ड वर्कर हमने माने थे एक्स, तो अनस्किल्ड वर्कर कितना आ जाएंगे, 60% आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाइड करेगा, आपसे स्किल्ड वर्कर पूछ रहा है तो 40% आपका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो आप, इफ देयर आर टू ग्रुप्स विद 75 एंड 65 एज हार्मोनिक मीन्स एंड कंटेनिंग 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशन देन कंबाइंड एच एम इज। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको ऑब्जर्वेशन आपको देखे 15 एंड N1 और N2 की वैल्यू आपको देखे 15 एंड 13, ठीक है ना। और हार्मोनिक मीन H1 और H2 आपको देखें दो ग्रुप्स के 75 और 65,
अब कंबाइंड हार्मोनिक मीन एच एम, इसका सीधा सूत्र होता है आपके सामने एन वन प्लस एन टू अपोन एन वन अपोन एच वन प्लस एन टू अपोन एच टू। अब एन वन का मान आपके सामने दे रखा है 15 अपॉन 75 प्लस 13 अपॉन 65। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो देखो ये सीधा फॉर्मूला है, दो अलग अलग ग्रुप का एच एम आपको दे रखा है तो आपके पास कंबाइंड एच एम का ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कंबाइंड एच एम। ठीक है, तो एन वन की वैल्यू आपके सामने है, एच वन की वैल्यू आपके सामने, ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 1/5 15 5 = 75 और 13 5 = 65 1/5 तो ये वैल्यू आ जाएगी 28/2/5 1/5 + 1/5 कितना हो जाएगा 2/5 आ जाएगा और हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 28 × 5/2 तो 2 से कैंसिल आ जाएगा 14 द 14 5 = 70 आपके इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। और हमने देखा जो 17 आंसर है वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी मतलब 70। सीधा सीधा फॉर्मूला पर डिपेंड है और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए व्हाट इज द एच एम ऑफ 1/2 / 1/3 सोन। तो देखो मैं आपको बताता हूँ ए बी सी एच एम ऑफ ए बी सी ये कितने हैं 1 2 3 3 है और इसको 1/a + 1/b + 1/c इस तरह से हम जो है एच एम निकालते हैं कोई भी आपको वैल्यूज दे रखे। तो देखो यहाँ पर समझो आप 1 से 1/2 1/3 से लेकर 1/n इसका मतलब आपके पास टोटल जो ये वैल्यूज हैं ये है n है तो आपके पास इसका जो एच एम हो जाएगा एच एम टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है n और 1 + 1/2 + 1/3 सोन 1/1/n। आप इसको समझो जब ए बी सी था तो 1/a 1/b 1/c आ जाएगा तो जो भी वैल्यू है वो 1 के अपॉन में आ जाएगा तो n अपॉन 1 प्लस ये 2 आ जाएगा फिर ये 3 आ जाएगा से लेकर क्या आ जाएगा n तो आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। 1 से लेकर n तक की नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसका सीधा फॉर्मूला होता है n (n+1/2) ये है 1 + 2 + 3 + n इनका जो सम है n (n+1/2) है ये है। तो n से n क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा 2 चला जाएगा ऊपर तो 2/(n+1) ये आपके किस इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा बिल्कुल इजी मेथड से छोटे से एग्जांपल के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है ऑप्शन सी इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है तो ऑप्शन सी में आंसर कितना देगा 2/(n+1) तो यही आपके इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और उसको बिल्कुल शॉर्ट मेथड में हम समझते हैं। एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ 500 km/h and comes back from B to A at the rate of 700 km/h. The average speed of the aeroplane. देखो एक फॉर्मूला होता है एच एम का, एच एम का फॉर्मूला है जब हमारे पास टू नंबर दे रखे हैं 2ab / a + b एच एम ऑफ ए बी देखो 2/(1/a + 1/b) होता है तो इसका जब हम एलसीएम लेते हैं ए बी एलसीएम आ जाता है बी प्लस ए और ये वैल्यू ऊपर चली जाती है तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2ab / a + b। ये एच एम का डायरेक्ट फॉर्मूला है जो मैंने आपको प्रूव भी करके बता दिया है, या मैंने पिछले इस वीडियो में पिछले स्टेप्स को आप देखो तो ऐसे जब हमारे पास डिस्टेंस सेम होती है जैसे मान लो ए टू बी तक ये जाता है और बी टू ए से वापस मतलब बी टू ए या ए टू बी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी सेम होगी। ए से बी तक जाता है फिर बी से ए तक वापस आता है तो डिस्टेंस तो सेम ही होगी ना। ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं मान लो वो ए से बी तक जाता है वो और फिर सी पर जाता है और ये दोनों डिस्टेंस क्या है सेम है ये एक्स है तो ये क्या है एक्स है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें एवरेज स्पीड जब हमको निकालनी पड़ती है तो एवरेज स्पीड का सीधा फॉर्मूला होता है 2ab / a + b ये एवरेज स्पीड आपकी
ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। तो एक बार तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे प्लस कर दो, तो आपकी जो स्पीड है 500 और 700 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 × 500 × 700 / 500 + 700। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 × 500 × 700 / 7 × 5 = 1200। अब देखो 20 से 20 क्या कर दी, कैंसिल कर दी, 2 से 12 6 बार कट जाएगा, और 2 + 3 = 6 और ये कट जाएगा 350। तो 15 × 75 5 × 25 = 2 × 5 = 25 2 × 5 = 15 = 16 = 17। 1750/3 km/h जो है इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। और इसको जब मैं वैल्यू निकालता हूँ इसकी, तो 3 × 15 = 2 × 5 = 3 × 8 = 24 = 10। आपके पास आ जाएगा 3 × 3 = 9 = 1। तो आपके पास जो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 583.33। ये 10 3 और 3, तो 583.33 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या है, स्पीड आ जाएगी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ऑप्शन हमने देखा है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और वो ही इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बिल्कुल इजी है, 2ab / a + b, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे दोनों से डिवाइड कर दिया, मैंने आपको सोल्व करके इजीली बता दिया है, और HM का फॉर्मूला भी आपको प्रूव करके बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है 14 का, और एग्जाम में आ चुका है एवरेज स्पीड का, मैं आपको बताना भूल गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पहले एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। 2ab / a + b क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आपको कितनी दे रखी है 1 2 3 4 5। तो एफ एक्स आपके सामने आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16 और 5 × 5 = 25। और जब हम इसका सम करेंगे तो 5 × 6 = 11, 9 × 20 = 21, 22 = 24, 25 आया आपके पास, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसके साथ सिग्मा एफ आपके सामने आ जाएगा 5 × 4 = 9 = 10 = 11 = 13 = 14 = 15, ठीक है। तो आपके पास एक्स बार ए एम आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 55/15, तो 11/3 आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, और ऑप्शन ए इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो देखो इस तरह से आ सकता है, मान लो एक्स 1 2 3 से लेकर एन तक, और एफ भी 1 2 3 से लेकर एन तक, तो एफ एक्स जो आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से लेकर एन का स्क्वायर। तो एक्स बार जो होता है वो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेकर एन का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है सिग्मा एफ की है 1 + 2 + n, तो दोनों के फॉर्मूले हैं n × n + 1 2n + 1/6, और इसका फॉर्मूला है n × n + 1/2। तो आपको मैं बता दूं, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, n + 1 से n + 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 3 = 6। आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 2n + 1/3। इस तरह से सेम नंबर की जो है हम वैल्यू काउंट कर सकते हैं 2n + 1/3। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज में आया है वो देखो, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज में आया है। पहला फॉर्मूला तो ये आया है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर, यह जगह n × n + 1 2n + 1/6 ये 1 से लेकर n² तक के जो नंबर उनका सम है, 1 + 2 + 3 से लेकर n तक का जो सम है n × n + 1/2। ये दो फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू मैं 5 रख देता हूँ, देखो 5 रखा मैंने, तो 2 × 5 + 1/3। हमारे पास जो ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या आया, 2n + 1/3। आप इधर देखिए, इसमें n की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या रख देता हूँ, 5 रख देता हूँ,
तो 2 इंटू 5 प्लस 1 बाई 3, 5 दूनी 10 और 11 बटे 3। तो इस तरह से भी आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो कि 1 से लेकर n तक ही वेरिएबल हो और सेम ही आपकी फ्रिक्वेंसी हो 1 से लेकर n तक, तो आप x बार मीन कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 3। तो इस क्वेश्चन से आप इसका इजीली फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। y बराबर आपको दे रखा है y बराबर 2x माइनस 3 और x की वैल्यू आपके सामने कितने दे रखे, 20 दे रखे है और आपको मीडियन अबाउट y निकालना है। देन सीधी सीधी x की वैल्यू दो 2 इंटू 20 माइनस 3, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40 माइनस 3 तो 37। तो y मीडियन ऑफ y आपके पास आ जाएगा 37 और यही आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इस तरह से ही हम मोड में और इस तरह से मीन में और इस तरह से मीडियन में, मीडियन के लिए निकालना था हम वैल्यू लेते हैं, तो x की डायरेक्ट वैल्यू हमने इसमें रख दी है। तो आपका आंसर जो आया वो कितना आया है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास 37 और ऑप्शन सी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स यू एंड वी आर गिवन बाई 2u + v + 7 = 0। इफ द एम ऑफ द यू, देखो 2u + v + 7 = 0, तो सीधी सी बात है u की वैल्यू कितनी दे रखी है, am of u इज इक्वल टू दे रखा आपको 10, तो u की जगह 10 रख देते हैं, 2 × 10 + v + 7 = 0, 10 × 20 + v + 7 = 0, 27 + v = 0, देन v की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी -27 और ये जो है ये v की वैल्यू आपके पास आई, तो ये v की वैल्यू ना होकर ये है am of v 27। तो डायरेक्ट हम इस तरह से क्वेश्चन में वैल्यू रख सकते हैं। इसी तरह से लास्ट के क्वेश्चन में हमने मीडियन के अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, अब आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 27 और 27 ऑप्शन डी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इफ x एंड y आर रिलेटेड टू द x माइनस y -10 = 0 एंड मोड ऑफ x इज नोन टू बी 23, x माइनस y -10 = 0, मोड ऑफ x कितना देखा 23, तो x 23 रख देंगे -y - 10 = 0। इसमें से देखो आप यह जाएगा 13 - y = 0 बिकॉज 23 में से 10 माइनस हो जाएगा 13, देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 13 आ जाएगी। तो आपके पास मोड ऑफ x दे रखा है, मोड ऑफ x आपके पास दे रखा है 23, देन मोड ऑफ y आपके पास कितना आ जाएगा, मोड ऑफ y आपके पास आ जाएगा 13। तो यही आपके इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है बी, बी आपके इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है आपके लिए और आप इसको अच्छे से सीखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। इफ़ gm of x इज 10 एंड gm ऑफ वाई इज 15 देन gm ऑफ एक्स वाई, सीधा सा फॉर्मूला है, gm ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला है gm ऑफ एक्स इंटू gm ऑफ वाई। तो gm ऑफ एक्स वाई का सीधा फॉर्मूला जाएगा, gm ऑफ एक्स का है 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे gm ऑफ वाई से 15, तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा 150, तो 150 हमारे इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा gm ऑफ एक्स वाई। तो ऑप्शन हमने देखा ऑप्शन 19 में ऑप्शन ए इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है ऑप्शन ए। अब 20 में देखो, इफ द am एंड gm फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस आर बोथ 15, इसका मतलब am आपको दे रखा है 15 और gm की वैल्यू भी आपको 15 दे रखी है, तो हम बताए थे कि इन दोनों का जो hm होगा, hm वो भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm होता है, इसका मतलब इसकी दो कंडीशन होती हैं, या तो am बड़ा होगा gm से, ये बड़ा होगा hm से, जब a नॉट इक्वल टू b, और am बराबर होगा gm के, बराबर होगा hm के,
इफ ए बराबर है बी, ये कंडीशन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ए एम और जी एम यदि बराबर है तो एच एम भी क्या हो जाएगा, उनके बराबर ही हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा 10 ऑब्जर्वेशन हो चाहे 20 ऑब्जर्वेशन, उससे मतलब नहीं है। आपके पास यदि ए एम और जी एम सेम है तो आपके पास एच एम भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि 15 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 15 दे रखा है आपके सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने क्या आ जाएगा, सी। एच एम कितना होगा, 15 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लगातार आपने देखा है तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं मानता हूँ कि इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको करवा दिया है। और ये पार्ट आप कंप्लीट करते हो तो आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रॉब्लम जो है दूर हो जाती है। तो सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप मेहनत करते रहें, ऐसे लगातार आगे बढ़ते रहें और मेरे वीडियो लगातार आप देखते रहें। थैंक यू।